मेरे सभी योद्धा एक एक करके युद्ध में काम आ रहे हैं। मेरी सोने की लंका शमशान भूमि में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। मेरी सभी आशाएं धीरे धीरे भूमि हो रही है। मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। अब मुझे सोचना है कि मेरी दानवी सेना में ऐसा कौन सा वीर है जो उन तपस्वियों को मृत्यु के पार पहुंचा सके। सोचता हूं या छल कपट की विद्या में निपुण पुत्र हीरा मार चंडी का भाग पुत्र परंतु उसके पास पहुंचने में तो बहुत समय लग जाए। मैं अपनी शक्ति से उसे यहीं बुलाए लेता हूं। ओ पिताजी जय शंकर की। पिताजी आपके मुखमंडल की इतनी शीर्ष हो रही है, आपने मुझे किस लिए याद किया? बुद्ध रही रावण हम पर विपत्ति आने पड़ी है। विपत्ति? हाँ, एक बार बहन स्वरूप निखा दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर अयोध्या के दो राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए हैं। जब उसने उस स्त्री से बात करनी चाहिए तो छोटे तख्ती ने उसके साथ छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसके नाक पर कत्ती काट डाली। हाँ, तो कौन काट डाले? हाँ, हमने प्रतिशोध स्वरूप उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर लिया। बस तभी से हमारा उनसे युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भ्रातृ कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद काम आते हैं। पिताजी ये से बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री राम तो समदर्शी हैं, आपने बिना सोचे विचारे ये क्या कार्य कर दिया? इसलिए तो सेना और वंश का नाश हो गया। मुझे ऐसा कोई कार्य करना तो नहीं चाहिए, परंतु आपके भले के लिए मैं ये कार्य करूंगा। मैं जाऊंगा राम लक्ष्मण का हरण करके लाऊंगा और उनको देवी की बलि चढ़ाऊंगा। परंतु पुत्र, जब तुम मुर्मुरा हरण करोगे तो मुझे कैसे ज्ञात होगा? आपको कैसे ज्ञात होगा? जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश दिखाई दे तो समझ लें कि मैं सफल हो गया। बहुत अच्छे भोग होगी और बचेगी, जीत की चुपचाबी मेरी फिर से रोशन होगी। ये लंका मेरी, जाओ पुत्र जाओ विजय भव। जय शंकर की पिताजी। जा उन दोनों को बलिदान मांगती है, उनको बलि चढ़ाऊंगा। चांदनी रात की बात है, पहले
और इस प्रकार रामादल में अहि रावण प्रवेश करने के लिए जब जाते हैं तो पहरे पर हनुमान जी रहते हैं, जिससे वे खौफ पाते हैं। भगवान, रात्रि बहुत अधिक प्रतीत हो चुकी है, अब आप सब विश्राम कीजिए। आज की रात पहरे पर मैं सजग हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये वानर तो बहुत भयंकर प्रतीत होता है। मैं किस प्रकार वानर में प्रवेश करूं? कोई युक्ति लगा रहा हूं। या चाचा विभीषण, अभी चाचा विभीषण का वेश बनाता हूं और रामादल में प्रवेश करता हूं। विभीषण जी, आप अर्धरात्रि के समय आप कहां से आ रहे हैं? हनुमान जी, मैं तो प्रभु से आज्ञा लेकर संध्या वंदन के लिए गया था, बस वहीं विलंब हो गया। अच्छा, अब जाकर विश्राम कीजिए, रात्रि बहुत अधिक व्यतीत हो चुकी है। आइए। जय श्री राम। कहाँ लक्ष्मण? ओ, यहाँ सो रहे हैं। चले आओ। 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 चले आओ।
आज देवी अति प्रसन्न होगी। चले आओ, आज तुम्हारी बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करूंगा। चले आओ, चले आओ। चले चले मेरी माया जाल में चले आओ। चले चले चलो। अंगद जी, मैं तो बड़ी सावधानी से पहरा देता हूँ। रात्रि में विभीषण जी के अतिरिक्त पर कोई नहीं आया। क्या कह रहे हो हनुमान जी, मैं तो यहीं था। विभीषण जी, मैं सदैव सत्य बोलता हूँ। अर्धरात्रि में आप ही तो आए थे। जब मैंने आपसे देर से आने का कारण पूछा, तब आपने कहा कि संध्या वंदन करने के लिए गया था, इसी कारण आने में विलंब हुआ। क्या क्या मेरा ही रूप था? हाँ विभीषण जी, मेरी ही आवाज थी। हाँ विभीषण जी, मुझे तो लगता है ये नीच कार्य उसी रावण ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं अंगद जी? जिसने सीता का हरण किया, क्या उसी ने हरा राम को भी? निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा गया धाम को भी। अगर ऐसा है तो सारी लंका सागर के मध्य डुबो दूंगा। दशमुख के शिक्षक टुकड़े कर किद्दों का जास बना दूंगा। ओ पामर पापी सावधान, अब ये हनुमान भयंकर है। कल तक तो लंका दाहक था, पर अब तो पूर्ण भयंकर है। जिनके नाम के बल से लंका का मैंने दहन किया, अंगद ने पांव जमाया तो खलदल का बरसर श्रवण किया। उस स्वामी को किसका साहस, जो ले जाए इस मंडल से। अरे रावण क्या यमराज तलक थर्राते हैं रामादल से। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। श्री राम श्री राम आप ही दे प्रकाश। हनुमान जी, सेवक को नहीं, मैं अभी पता लगाता हूँ। सेवक को नहीं, ओ हनुमान जी, प्रभु राम और भैया लक्ष्मण को रावण का पुत्र अही रावण पाताल लोक में लेकर गया है। बस कोई भी पाताल लोक में जाए और उसका वध कर प्रभु को छुड़ा लाए, तो ऐसा महान कार्य हनुमान जी के अलावा और कौन कर सकता है? जागो जागो हे राम दूत, केसरी सुवन जागो जागो, हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन जागो जागो। रात ही रात में बूटी ला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। जो काम पवन कर सकता वो पवन कुमार किए तुमने। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सती चतुराई पर। उपकार यही तो सच्चा है, मर जाए विपत पराई पर। ठीक है जामन जी, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। किंतु भाइयों, सच्चाई तो ये है, कृपा निधान भक्त वत्सल सेवक से जो काम कराते हैं, कृपा सब उन्हीं की होती है। वो भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा भाइयों योगदा, अब 700 लाख राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। जय श्री राम। हनुमान की जय श्री राम।
झूठ वानर, मेरा तिरस्कार करके वेख के किधर जा रहा है? तुझे मेरा भय नहीं? भय और मुझे? अरे मूर्ख बालक, मेरे मार्ग से हट जा। आज्ञा स्वीकार ना की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक के हाथों वृद्ध की अभिमान चूर हो जाएगा। इसलिए यहां से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूं, मैं मकर ध्वज कहलाता हूं, कपिवर हनुमंत का बेटा। ओ मूर्ख जाने इधर देख, अरे मैं ही वो हनुमंत हूं, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। अरे दुष्ट, मुझे तो कब इस क्षेत्र में भी काम नहीं जागा, तो फिर बता तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? पिताजी, पिताजी, लंका दहन करके जब पानी में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया तत्काल गर्भ उसे, मिल गया देव कर्म से ये मकर ध्वज का लाल उसे। पिताजी, मैं तभी से यहाँ हरिरायण की सेवा करता हूँ और उसके द्वार पर दिन रात पहरा देता हूँ। अच्छा, यदि तू स्वयं को मेरा पुत्र ही कहता है, तो बता क्या तेरा स्वामी मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लाया है? हाँ पिताजी, और आज रात वो उन दोनों भाइयों की देवी माँ को भेंट चढ़ा देगा। तो फिर मेरे मार्ग से हट जा, मैं अंदर जाकर अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस और पिता का है, असमंजस में है मकर ध्वज, ये सोच रहा करना क्या है? उस और दिख रहा कुआ है, इस और दिख रही खाई है, ऐसे ठोर कड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। हे पितृदेव, हे पितृदेव, आप ही बतलाए इस समय धर्म क्या मेरा है? है कर्मवीर, है कर्मशील, कर्तव्य कर्म क्या मेरा है? कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो तुमसे मैं संतुष्ट हुआ। तू निश्चय ही बेटा मेरा है, ये सिद्ध हुआ, ये पुष्ट हुआ। हे पुत्र, जब धर्म पर ही बात आ गई है तो सुनो, मेरा धर्म तो ये है पुत्र, पहुंचू मैं भीतर नगरी के, पर कर्तव्य तुम्हारा है मुझको, रोको तुम बाहर नगरी के। अब शक्ति करेगी न्याय, अब शक्ति करेगी न्याय, कौन जन्ने का नीका जल है? तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय अपे अपर भर, जय जय अपे अपर भर, जय जय अपे अपर भर, जय जय अपे अपर भर। देवी बहुत बढ़िया, के मेरा विकट बकेरा, के मेरा भवतरणी पार लगा, भवतरणी अपे अपर भर, जय जय अपे अपर भर, जय जय विकट बखेड़ा हटा के बेड़ा, विकट बखेड़ा हटा के बेड़ा, पार लगा भवतरणी, पार लगा भवतरणी, जय जय अम्बे खप्पर भरणी, 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 विकट बखेड़ा हटा के बेड़ा, विकट बखेड़ा हटा के बेड़ा, पार लगा भवतरणी, जय जय अम्बे खप्पर भर, जय जय अम्बे खप्पर भर, जय अम्बे खप्पर भर, जय जय अम्बे खप्पर भर, पसंद करो बुझाई जी। हाँ देवी अभी पसंद है,
शीश सो तीस आन मधुर रक्त करपा शीश सो तीस आन मनुज रक्त करपा बिकट बकेड़ा हटा के बेड़ा बिकट बकेड़ा हटा के बेड़ा पार लगा भवतरनी पार लगा भवतरनी जय जय अम्बे खपर भर दे 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 जय 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 अम्बे खपर भर दी 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 पुजारी जी चाहो उन तपस्वियों को बलि के लिए लेकर आओ लीजिए महाराज तपस्वियों अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है या जो भी तुम्हें प्रिय है उसे याद कर लो सुन ले ऐ रावण सुन ले हनुमान ही आज सहारा है वो ही हमें प्राणों से प्यारा है हनुमान अरे कैसा हनुमान कपिदल में वो सोता है तुम उन दोनों को रोते हो वो तुम दोनों को रोता है पुजारी जी बलि के लिए तैयार हो करो जो आज्ञा महाराज देवी आज बहुत प्रसन्न होगी देवी आज बहुत प्रसन्न होगी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जरा जोर से जयकारा लगाएं बोल श्री राम चंद्र की